हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आराध्या प्याली एंड आई एम बैक विथ अनदर ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप लोगो या वाटरमार्क ऐड कर सकते हो अपने वीडियो पर। तो चलिए शुरू करती हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर रखा है और ये मेरा लोगो है जो कि मैं इस वीडियो पर ऐड करने जा रही हूँ। ये देखिए, मेरे लोगो का साइज़ है 500 बाई 500 पिक्सल्स, मतलब 500 विथ एंड 500 ही इसकी हाइट है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को अपनी टाइमलाइन में ले आते हैं। तो सबसे नीचे वाले ट्रैक में हम अपनी वीडियो को रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसको आपको एक बार चला के दिखा रही हूँ कि इसमें अभी कोई भी वाटरमार्क या कोई भी लोगो नहीं है। इसी इसी वीडियो पर फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपना लोगो लगा के दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पे कोई भी लोगो या वाटरमार्क नहीं है। फ्रेंड्स, मैं अपने लोगो को भी यहाँ लेके आ रही हूँ। ये मेरा लोगो है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा लोगो और ये मेरा वीडियो जिस पे मैं ये लोगो ऐड करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं लोगो और वीडियो का ड्यूरेशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वीडियो का ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। हम वीडियो पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन है 35.15 सेकेंड। अब हम अपने लोगो को क्लिक करते हैं और उसका ड्यूरेशन है 10 सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले हमें अपना ड्यूरेशन दोनों का सेम रखना है, एटलीस्ट हमें करीब करीब सेम रखना है। ये देखिए, ये 35.15 था, अब ये 35.20 आ गया है, करीब करीब सेम है। मैं इसको यहीं पर ही, ये मुझे ठीक लग रहा है। अब हम लोगों को आप देख सकते हैं वो इस तरीके से आ रहा है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें लोगों को थोड़ा छोटा करना है, अपने हिसाब से छोटा करके उसको सेट करना है। तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका है इसका, हम इसके प्रॉपर्टी पे चलते हैं और सिर्फ एक सेटिंग को चेंज करते हैं, वो है स्केल एक्स एंड स्केल वाई। मैं स्केल एक्स में अपनी सेटिंग डाल देती हूँ, मैं मैन्युअली ही कर रही हूँ इसको हाथों से। मैंने दोनों सेटिंग्स पे 0.25 की सेटिंग लगा रखी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आएगा। आपको इससे बड़ा या इससे छोटा रखना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब ये सेंटर पे आ गया है, हमें सेंटर तो नहीं चाहिए। तो चलिए इसको इसे अपने लोकेशन पे या जहाँ हमें चाहिए उस लोकेशन पे लेके जाते हैं। तो उसके लिए हमें ग्रेविटी टैब पर सेट क्लिक करना है। ये देखिए, ग्रेविटी टैब पे अभी ये सेंटर पे है। हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, लेफ्ट सेंटर, राइट, टॉप बॉटम, टॉप सेंटर, टॉप राइट। मुझे ये टॉप राइट पे चाहिए। ये देखिए, ये बहुत ही इजीली टॉप राइट पे सेट हो गया है। एक और तरीका है आपको अपने लोगों को वीडियो में सेट करने का, उसके लिए मुझे फिर से ग्रेविटी पे जाना है और मैं पहले इसको सेंटर पे ले आती हूँ। अब मैं लोकेशन पे जाती हूँ। ये देखिए, लोकेशन पे जाते साथ ही ये लोकेशन के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। आप ऊपर नीचे और ये देखिए, आप उसके हिसाब से, आप अपने हिसाब से
आप लोकेशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारे वीडियो के टॉप राइट पे आके ये देखिए हमारा लोगो अब सेट हो गया है। हम एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो पर ये लोगो ये देखिए किस तरीके से दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा वीडियो पे हावी हो गया है, तो हम इसको थोड़ा कम हाईलाइट करने के लिए हम इसको थोड़ा वीडियो को रोक के एक काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अभी हमारे प्रॉपर्टीज़ में ही अल्फ़ा वाले टैब पे आते हैं और इसको हम 0.90 पर सेट कर देते हैं। चलिए हम दोबारा प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा हल्का हुआ है, पर हम इसे और थोड़ा सा करते हैं। अभी भी ये काफ़ी हाईलाइटेड है। इसके लिए हमेशा जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले हम कोई भी सेटिंग करते हैं, हमारे ये कर्सर जो है स्टार्टिंग में होना चाहिए। हम इसको 0.80 पे ले आते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा हल्का हो गया है हमारा लोगो, और अब थोड़ा सा सी थ्रू भी हो गया है, अब अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपने वीडियो के ऊपर अपने लोगो या अपने वाटरमार्क को सेट कर सकते हैं और उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।